मैं ग्राम पंचायत श्रीनगर वार्ड पंच व सरपंच पति दिलीप राठी, जो कि हमारे ग्राम श्रीनगर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5-6 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें मेरे ग्राम सहायक मंजू अजमेरा, उसके साथ में ओम प्रकाश उंद्रीवाल जो एक टीचर है 3rd ग्रेड का, उसने उससे बुरी तरह से गाली गलौज की और उसको उत्पीड़न किया। इस मामले को लेकर नंदकिशोर जोशी जो वहाँ पे टीचर है उसके साथ उसने हाथापाई की। उन्होंने मेरे को बुलाया तो मैंने वहाँ समझाइश के लिए उनको बोला, मगर वहाँ की जो प्रिंसिपल मैडम है वो बिल्कुल मूक दर्शन बनी हुई है। तो कल्पना माथुर वहाँ की प्रिंसिपल मैडम है, वो आज से ही नहीं, मैं 4 सालों से उनको देख रहा हूँ, वो इसी तरह से मूक बनी हुई रहती है। वो आदमी जो टीचर हमारे ओम प्रकाश है, वो उनको SC ST का केस लगाने की धमकी देता है और सभी टीचर उससे डरे हुए हैं। मैं आज यहाँ DD ऑफिस आया हूँ, मैं इनसे यही पूछने आया हूँ कि भाई उस पर क्या कार्यवाही की गई है। और कोई मामला सामने आया पहले भी 2009 में एक मीनाक्षी राठी था, मीनाक्षी राठी मैडम है, उसके साथ में भी उसने ऐसे ही कुछ किया था, तो उस टाइम तो वो मामला उठा नहीं इतना, मगर अब हम ये चाहते हैं, ग्रामवासी भी यही चाहते हैं कि ये मामला पूरा बराबर इसकी तहकीकात हो और न्याय मिले हमें। आज कहाँ है और क्या? आज DD ऑफिस, ये जिला शिक्षा अधिकारी का ऑफिस है, वहाँ पे हम आए हैं और इन अधिकारी से हम पूछ रहे हैं कि आपने इस पर क्या कार्यवाही की है। मेरा आज आप मिले हैं, इन्होंने आश्वासन दिया है कि हमने आगे कार्यवाही की है, उनको हम IPO करके यहाँ बुला रहे हैं, तो अब आगे देखते हैं, अगर इन्होंने नहीं किया तो हम आगे जब भी स्कूल खुलेगी हम ग्राम स्तर पर उस स्कूल को बंद करके रखेंगे। नाम बताइए। मेरा नाम दिलीप राठी है, वार्ड पंच श्रीनगर और SMC सदस्य। ग्राम की ओर से हम समस्त पदाधिकारी गण आज माननीय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक साहब को विगत दिनों 6 मई, 8 मई, 9 मई को जो घटनाएं हुई है उसके बारे में विस्तार से आज जानकारी देते हुए आपसे ये मांग की है कि शिक्षा विभाग में इतना ज्वलंत मुद्दा जो इस समय राज्य सरकार द्वारा भी संज्ञान में लिया गया है महिला उत्पीड़न के बारे में, और चूंकि अलवर कांड होने के बाद हमारे विभाग पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है कि महिलाओं की सुरक्षा अहम मुद्दा है जिस पर आज भी विभाग मौन है, ना संबंधित शिक्षक पर कोई कार्रवाई हुई है, ना वहाँ की संबंधित प्रिंसिपल महोदय है। हमारा संगठन का स्पष्ट रूप से ये आरोप है कि यहाँ पर प्रिंसिपल से लगाकर शायद कहीं और ऊपर तक चयन आपस में मिली हुई हैं, क्योंकि अगर वो चाहती तो एक सक्षम अधिकारी होने के नाते तत्काल पुलिस कार्रवाई करते हुए उस महिला को प्रोटेक्शन देती, उल्टा संबंधित शिक्षक पर और हमारे वार्ड पंच और SMC सदस्य और सरपंच पति श्री दिलीप जी राठी पर भी उन्होंने SC ST के केस में फंसाने की धमकी दी और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। वहाँ पर तथाकथित असामाजिक तत्वों का एक जमावड़ा करके इन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। संगठन ने स्पष्ट रूप से डिमांड उठाई है कि इस व्यक्ति ने 2009 में भी एक परिनिंदा प्रस्ताव इसके खिलाफ उस समय के तत्कालीन DO अशोक जी सक्सेना द्वारा पारित किया गया था, जिसकी आज तक सरी रूप में ना तो कोई संधारण किया गया है, ना इसको कभी किसी रूप से कोई दंडित किया गया है। उसके अलावा शाला के अंदर जितनी भी हमारी गतिविधियाँ, चाहे वो पोशाक को लेकर हैं और शाला की रद्दी बेचने से संबंधित है, शाला के अंदर अन्य कोई SIQ की डायरियाँ भरने से संबंधित है, हर मामले में इसने एक आतंकी, एक असामाजिक तत्व की भूमिका निभाई है और सभी स्टाफ मेंबर्स को डरा धमका कर अपना वर्चस्व कायम कर रखा है, वो पैसों के लालच से, और वहाँ के तथाकथित इसकी कुछ गैंग के कुछ साथी हैं जिनको ये दारू पिलाकर अथवा अन्य किसी प्रलोभन से उनको अपने गिरफ्त में करके एक भय का वातावरण बना रखता है। शिक्षा जगत का पवित्र, जिसे हम मंदिर मानते हैं सरस्वती का, उस विद्यालय में और वो भी पंचायत समिति हेडक्वार्टर और CBO कार्यालय के नज़दीक होते हुए अगर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया तो ये हम सबके लिए निश्चित रूप से एक शोचनीय विषय है, और अगर इस पर तत्काल संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले समय में प्रत्येक व्यक्ति वहाँ पर जाने में डरेगा, विशेषकर वहाँ का स्टाफ, विशेषकर वहाँ पर अध्यापक नंदकिशोर जोशी और महिलाएं। 9 तारीख को जो बाल सभा के कार्यक्रम थे संपूर्ण राजस्थान में, उस समय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय श्रीनगर में CBO श्रीनगर के माध्यम से मुझे दूरभाष पर संदेश प्राप्त हुआ कि यहाँ श्रीनगर में माहौल ख़राब हो रहा है और यहाँ पर स्टाफ में आपस में कोई झगड़ा हो रहा है और किसी महिला के प्रति छेड़छाड़ का मामला है। मैंने तुरंत फ़ोन पर ही उनको CBO श्रीनगर को आदेशित किया कि आप जाकर उसकी प्रकरण की जाँच करें और जाँच करके मुझे रिपोर्ट प्रस्तुत करें। श्री अशोक जी महेश्वरी CBO श्रीनगर ने
अपनी जांच रिपोर्ट मुझे शनिवार को प्रस्तुत कर दी थी और आज सुबह आते ही मैंने उस प्रकरण को देखा है और उसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम सक्षम अधिकारी को आज ही प्रकरण बनाकर भेज रहे हैं और उनके खिलाफ आज ही कार्रवाई अंजाम तक पहुंचाने के प्रयास कर रहे हैं। क्या कार्रवाई अमल में लाने के लिए आपने कहा? संभवतः APO या सस्पेंड होगा वो जो दोषी है कर्मचारी। सर पूर्व में भी इसके खिलाफ मामले सामने आए हैं, पूर्व में एक बार विभागीय जांच के अंदर दोषी पाया गया था। सर ये मुझे आ जाइए कि इस 2009 में इस व्यक्ति को परिनिंदा का दंड से दंडित किया गया था और जैसा मुझे जानकारी में आया है कि उसकी सेवा पुस्तिका में इंदराज नहीं किया गया है। अगर ऐसा वास्तव में हुआ है तो ये बहुत ही गंभीर और दुराचरण की श्रेणी में आता है। तो उस समय के जो भी सक्षम अधिकारी थे जिनको इस कार्य को करना था उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस इंदराज को तुरंत प्रभाव से उसकी सेवा पुस्तिका में, उसके सीनियरिटी में और उसके जहां पर भी संस्थापन है वहां पर उसके इंदराज करवाया जाएगा। सर राष्ट्रीय महिला आयोग क्या आप कल्पना मत? अगर वो दोषी पाई जाएगी तो उसके विरुद्ध भी डेफिनेटली कार्रवाई होगी। जैसे शिक्षा विभाग के अंदर जो जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर महिला सुरक्षा के लिए सेल बना हुआ है उसमें 3 महिला अधिकारियों की नियुक्ति हो रखी है, प्रकरण उनके ध्यान में भी लाया जाएगा और उनके स्तर से भी जाँच करवाई जाएगी इसकी। सर नाम अजय कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक कार्यालय मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी अजमेर।